हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी का रिक्रूटमेंट रिलेटेड है। तो इसमें कुछ वैकेंसीज है, ये सीनियर रिसर्च एसोसिएट और मेंटर और जूनियर प्रोजेक्ट फेलो JPF। इसमें सैलरी वगैरह मेंशन और एलिजिबिलिटी पोस्ट ग्रेजुएट है। तो सब्जेक्ट में जाने से पहले जो दोस्तों हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल में नया विजिट करो उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट। रिच टू इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे शेयर विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हुज आर एलिजिबल एंड एप्लीकेबल फॉर देयर हेल्प। ओके, लेट्स गो टू सब्जेक्ट। एट फर्स्ट डिस्कस करेंगे नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, एडुकेशन क्वालिफिकेशन, बाकी अपना आप देखते रहेगा अपने आप पोस्ट के मुताबिक जो जिस पोस्ट का टर्म्स एंड कंडीशन मीट करते हैं, एलिजिबिलिटी एंड टर्म्स एंड मीट करते हैं उसी हिसाब से आप लोग अपना देख लीजिएगा। ये 3 पेज का नोटिफिकेशन है। नेम ऑफ पोस्ट सीनियर रिसर्च एसोसिएट SRA। नंबर ऑफ पोस्ट 1। एडुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स इन साइंस सोशल साइंस एजुकेशन और नेट क्वालिफाइड PhD एज पर द UGC रेगुलर 2018। 1 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड डिजायरेबल डिजिटल BLED BEd डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन कॉन्टेंट ऑफ द चिल्ड्रेन लाइक राइटिंग्स शॉर्ट स्टोरीज कोई स्किप इज ETC। देखिएगा ये डिजायरेबल नॉन मैंडेटरी, तो इसी हिसाब से देख लीजिए। प्रोजेक्ट नेम ऑफ पोस्ट है सीनियर रिसर्च एसोसिएट। नंबर ऑफ पोस्ट 1 एसेंशियल क्वालिफिकेशन ए पोस्ट ग्रेजुएट विद मिनिमम 55% मार्क। ए पोस्ट नेम जूनियर प्रोजेक्ट फिलो JPF। ए नंबर ऑफ पोस्ट 2 है एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 55% मार्क्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट ECCE एजुकेशन होम साइंस विथ स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बाकी डिजायरेबल देख लीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट मेंटर के लिए एक ही है वैकेंसी है। एसेंशियल पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55 मार्क्स एंड साइंस स्टैटिस्टिक एजुकेशन इकोनॉमिक्स 2 ईयर एक्सपीरियंस डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ LMC CMS आर बेस्ट वेबसाइट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन कोर्सेस। जॉब प्रोफाइल ये जो मेंशन किया ये भी देख लीजिएगा। नेम ऑफ पोस्ट जूनियर प्रोजेक्ट फिलो JPF। 1 पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55 मार्क्स इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक कम्पिटेटिव इंडियन लिटरेचर डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन एडिटिंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। जिसके बाद नेम ऑफ जूनियर प्रोजेक्ट फिलो 1 है ये फाउंडेशन न्यूमेरसी। ये एसेंशियल पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स मैथ एजुकेशन और एजुकेशन डिजायरेबल MEd BLED BEd एक्सपीरियंस ऑफ टीचर मैथमेटिक्स ऑफ स्कूल और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द एरिया ऑफ मैथ्स एजुकेशन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ये सब चीज़ें एज लिमिट देखिएगा बिलो 40 ईयर्स एज ऑन UGC गाइडलाइन 5 ईयर रिलैक्सेशन इन द केस ऑफ SC ST PH एंड वुमेन कैंडिडेट एंड फिक्स मंथली सैलरी। क्यों ना ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। सीनियर रिसर्च एसोसिएट के लिए 30,000 पर मंथ, मेंटर के लिए 29,000 और जूनियर प्रोजेक्ट फिलो के लिए 25,000 पर मंथ। नेट क्वालिफाइड के लिए नॉन नेट क्वालिफाइड के लिए 23,000। अच्छा देखिएगा डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू 22/8/2022
और रजिस्ट्रेशन टाइम है बिटवीन 9:30 AM टू 11 AM। कैंडिडेट अपीयर फॉर द इंटरव्यू आफ्टर 11 AM विल नॉट बी एंटरटेन, ये ध्यान में रखिएगा। रिपोर्टिंग मॉर्निंग 9:00 AM। और वेन्यू ऑफ इंटरव्यू डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन DEE, फोर्थ फ्लोर, रूम नंबर 418, GB पेंट ब्लॉक, NCERT, श्री अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली 110016। तो ये कैंडिडेट मस्ट बी ब्रिंग देयर रिज्यूम बायोडाटा अलोंग विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ईच सर्टिफिकेट एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट एट द टाइम इंटरव्यू। तो ये सब चीज, तो ये नोटिफिकेशन कहाँ से आउट हुआ देखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, श्री अरविंद मार्ग, न्यू दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री ऑफ एजुकेशन। ये नोटिफिकेशन 3/8/2022 का है। तो एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट अंडर PAB एंड PAC वॉक इन इंटरव्यू रिगार्डिंग द DE विल होल्ड ए वॉक इन इंटरव्यू टू अपीयर सीनियर रिसर्च एसोसिएट SRA जूनियर प्रोजेक्ट्स बिलो एंड मेंटर ऑन प्योरली टेम्पोररी बेसिस इन डिफरेंट प्रोजेक्ट अप्रूव बाय द PAC एंड PAB फॉर द ईयर 2022-23। द नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ मेंशन अगेंस्ट इज ऑफ द पोस्ट, जो भी आप लोग ऑलरेडी बताए, द फॉलोइंग पोस्ट आर नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर आर ऑन, देखिएगा, फॉलोइंग पोस्ट आर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर ए पीरियड स्पेसिफाइड अप 31 मार्च 2023, द अदर डिटेल आर अजेंडर। तो ऑलरेडी, तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल हो, और इसका नोटिफिकेशन आप लोग इसका वेबसाइट में जा सक डायरेक्ट जा सकते हो। अगर हेल्प चाहते हो तो इसमें हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ओके, देखिएगा ये NCERT का वेबसाइट जाइएगा, जाने के बाद स्क्रॉल करके ये वैकेंसीज में जाइएगा। इसमें एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ फॉर वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ DE NCERT, इसी में जाइएगा। उसका रिक्रूटमेंट ऑफ DTP ऑपरेटर एट PMD NCERT, ये इसी में जाइएगा। ये दोनों डाउनलोड करके आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। उसके बाद इंटरव्यू में 22 अगस्त जो 9:30 बजे जो इंटरव्यू टाइम दिया गया उसी अरविंद मेहमान, लेकिन ये जॉब प्लेस दिल्ली में होगा। तो जो बाहर का कैंडिडेट भी अगर इधर एलिजिबल इसी कारण बसते इधर रहते हो, अगर अप्लाई करना चाहते हो, जॉब प्लेस दिल्ली में रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल हो। जय हिंद, भारत माता की जय।